Hello students, good morning. Today we will discuss chapter 2 and our topic is articles of association. You know there are the three main important document of a joint stock company. First will be memorandum of association. We have already discussed this document in our previous video. So today we discuss remaining two documents. First will be the articles of association and second will be prospectus. So first आता है, what do you mean by the articles of association? Articles of association होता क्या है? कि the articles of association is also an important document of a company. In this document, the company defined its rules and regulation. The company defined its rules and regulation. या company के जो directors होते हैं उनकी क्या पावर है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, क्या क्या उनको ड्यूटी असाइन की गई है और इसके साथ साथ ही कंपनी क्या बिजनेस करते समय क्या क्या टर्म्स कंडीशन फॉलो करेगी, ये सारी चीजें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन की जाती है. बेटा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को बनाना मैंडेटरी नहीं है, ठीक है. अगर कोई कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने खुद का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना सकती है. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो कंपनी जो 2013 के सेक्शन एफ में 99 मॉडल्स गिवन है, ठीक है. कंपनी जो 2013 के सेक्शन एफ में 99 जो मॉडल्स होते हैं वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के हैं. उन 99 मॉडल में से आप कोई भी एक मॉडल अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो, जो आपको सही लगे, जो आपको सूटेबल लगे. फिर उस मॉडल में जो रूल्स रेगुलेशन लिखे हुए होते हैं वो सारे रूल्स रेगुलेशन क्या करने पड़ते हैं, आपको फॉलो करने पड़ते हैं. तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को बनाना मैंडेटरी नहीं है. अगर आप अपना खुद का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना चाहते हो तो यू कैन मेक, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट अगर कोई कंपनी अपना खुद का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाती है, अपने खुद के रूल्स रेगुलेशन नहीं बनाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. कंपनी जो 2013 के सेक्शन एफ में कंपनीज में 99 मॉडल बना रखे डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस के नेचर और साइज के अकॉर्डिंग. आप उसमें अपने बिजनेस के नेचर और साइज के अकॉर्डिंग कोई भी एक मॉडल चूज करके उसको भी फॉलो कर सकते हो. जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो रूल्स रेगुलेशन को इंडिकेशन देता है. तो रूल्स रेगुलेशन जनरली इनसाइडर्स के लिए बनाए जाते हैं. इसलिए जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डॉक्यूमेंट है बेटा वो कंपनी और उसके इनसाइडर्स के रिलेशन को शो करता है, ठीक है. मैनेजमेंट और उसके इनसाइडर जो पर्सन है जो कंपनी के अंदर काम करते हैं उनके रिलेशन को इंडिकेशन देता है. इसलिए इसको डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट भी कहा जाता है, अदर नेम है इसका. जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को डॉक्ट्रिन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट कहते हैं, ऐसे ही आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट भी कहा जाता है. समझ आ गया? सो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को बनाना मैंडेटरी नहीं है, रूल्स रेगुलेशन लिखते हैं और ये इनसाइडर्स के रिलेशन को शो करता है, इसलिए इसको डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट भी कहते हैं, ओके. उसके बाद आता है कंटेंट्स कि भाई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आप क्या रूल्स रेगुलेशन लिखते हैं. जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसमें हम क्या क्या रूल्स रेगुलेशन लिखते हैं. देखो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के जो रूल्स रेगुलेशन है कुछ भी रूल्स रेगुलेशन लिख सकते हो. सबसे पहले आपकी कंपनी का नेम क्या है, आपकी कंपनी का हेड ऑफिस कहां पर सिचुएटेड है, उसका पूरा एड्रेस, आपकी कंपनी के कौन कौन शेयर होल्डर्स है उनका प्रॉपर एड्रेस, कंपनी के कौन कौन डायरेक्टर्स है उनका प्रॉपर डिटेल, डायरेक्टर्स को अपॉइंटमेंट करने के रिगार्डिंग में क्या रूल्स रेगुलेशन है, डायरेक्टर्स का जब हम रिटायरमेंट करते हैं तो क्या रूल्स रेगुलेशन है और डायरेक्टर्स का क्वालिफिकेशन शेयर परचेज करने के रिगार्डिंग में कंपनी क्या रूल्स रेगुलेशन बनाती है. कंपनी अपनी एनुअल मीटिंग या ऑडिट कब करवाती है, ऑडिट करवाने के लिए कंपनी के क्या रूल्स रेगुलेशन है, कंपनी के शेयर इश्यू करने के लिए कंपनी ने क्या रूल्स रेगुलेशन, ये सब लिखते जाना स्टेप बाय स्टेप, कुछ भी रूल्स लिख सकते हो. कंपनी शेयर इश्यू करेगी तो कंपनी क्या रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करेगी, जिन शेयर होल्डर्स ने टाइम पर कंपनी का पैसा पेमेंट नहीं किया तो कंपनी उनके शेयर्स को फोरफीचर कर लेती है. फोरफीचर का मतलब होता है बेटा जप्त कर लेती है, उनसे शेयर वापिस ले लेगी और उन्होंने उन शेयर्स पर जितनी अमाउंट ऑलरेडी पे की हुई है वो पैसा भी कंपनी अपने पास रख लेती है. उन्हीं शेयर्स को कंपनी किसी दूसरे पर्सन को रीइश्यू कर देती है, फिर उससे भी वही
पैसा सारा का सारा लेती है। तो कंपनी का शेयर फॉरफीचर करने के रिगार्डिंग में क्या रूल्स रेगुलेशन है, शेयर्स को रीइश्यू करने के रिगार्डिंग में कंपनी के क्या रूल्स रेगुलेशन है, कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के रिगार्डिंग क्या रूल्स रेगुलेशन बनाती है, ठीक है, कंपनी अपने अकाउंट्स बनाने के लिए क्या पॉलिसी बनाती है, यानी कंपनी के सारे जो भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं, ठीक है, अकाउंट्स बनाने के लिए कंपनी क्या मेथड फॉलो करती है, कंपनी की कॉमन सील के बारे में क्या रूल्स रेगुलेशन है, इसके साथ साथ कंपनी अगर अपने ही शेयर्स को ट्रांसफर करना चाहती है 1% टू अनदर, यानी शेयर्स को सेल करना चाहते हैं, देन क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, एक्स वाई जेड बेटा रूल्स रेगुलेशन आप इसमें लिख सकते हो, बहुत सारे बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं है जो मैंने बताए वो सारे रूल्स रेगुलेशन ही आप इसमें लिखो, नहीं आपके दिमाग में भी आ रहे हैं, कंपनी फ्यूचर में किसी भी डिस्प्यूट में नहीं पढ़ना चाह रही है तो कंपनी प्रेजेंट में उनके क्या बना लेती है, रूल्स एंड रेगुलेशन बना लेती है, ठीक है, तो ये सारे रूल्स रेगुलेशन लिख सकते हैं। फिर आता है क्या हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अल्टर कर सकते हैं, अल्टर का मतलब चेंज करना, देखो बेटा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अल्टर करना बहुत मुश्किल है और अल्टर करने की प्रोसेस भी काफी लॉन्ग और लेंथी है, लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अल्टर करना इजी है, ठीक है, जब हम अल्टर करना चाहें वी कैन चेंज, ठीक है, वी कैन अडॉप्ट एनी न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं आती इसको अल्टर करने में और इसको अल्टर करने की प्रोसेस भी बहुत ही शॉर्ट है, लेकिन जब भी हम अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के रूल्स रेगुलेशन को चेंज करते हैं तो कुछ रूल्स को आप फॉलो करोगे जरूर, क्योंकि अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को चेंज करने पर ये नेगेटिव फैक्टराइज नहीं होने चाहिए, जैसे फर्स्ट द अल्टरेशन मस्ट नॉट बी कॉन्ट्ररी और अगेंस्ट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर आप कोई भी चेंज करते हो कहता वो चेंज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, यानी आपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंज कर दिया लेकिन वो ऐसा चेंज है जो मेमोरेंडम में लिखी हुई बात का ऑब्जेक्शन करता है, कहता ऐसा चेंज भी नहीं करना है आप लोगों को। सेकेंड, इट मस्ट नॉट रिजल्ट इन द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद आउटसाइडर्स, आपको अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा चेंज भी अडॉप्ट नहीं करना है जिसे किसी थर्ड पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट बीच में ही आप तोड़ दो, ठीक है, अवॉइड कर दो, उसकी अवेलना कर दो, नो ऐसा भी नहीं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मैंने क्या कर रखा है, बैंक से लोन ले रखा है, आपने अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा रूल बना दिया जिसमें बैंक के लोन की पेमेंट करने के रिगार्डिंग में एक प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, तो कहता ऐसा भी कोई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंज मत करो जिसे आउटसाइडर पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट बीच में ही आपको ब्रीच करना पड़े, तोड़ना पड़े, अवॉइड करना पड़े, ऐसा भी आपको नहीं करना है, ऐसा भी इस टाइप का चेंज आपको अडॉप्ट नहीं करना है। इट मस्ट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, आप ऐसा चेंज अडॉप्ट करोगे जो कंपनी के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होगा, यानी इस टाइप का कोई भी चेंज आप अडॉप्ट मत करो जो कंपनी के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ना हो, कंपनी के फेवर में आप किसी भी टाइप का कोई भी चेंज अडॉप्ट कर सकते हो। इट मस्ट नॉट रिजल्ट इन इंक्रीजिंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स, कहता आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा भी कोई चेंज मत अडॉप्ट करो जिससे इसके मेंबर्स की लायबिलिटी इंक्रीज हो रही हो। देखो शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी यू नो लिमिटेड होती है अप टू द शेयर्स, बट अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आपने ऐसा कोई चेंज कर दिया जिससे इसके मेंबर्स की लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो मेंबर्स क्या करेंगे, ऑब्जेक्शन करेंगे, इस टाइप का भी कोई चेंज आपको अडॉप्ट नहीं करना है बच्चों, यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में हमें ऐसा चेंज अडॉप्ट नहीं करना। If alteration involve conversion of a public company, PC का मतलब public company to private company, then the approval of central government must be obtained. अगर आप एक public company को private company में conversion करना चाहते हो, then आपने article of association को change किया है, तो बेटा इस type का change करने से पहले जरूर एक बार central government की permission दे दो। इट मीन्स अगर आपकी कंपनी मान लो प्राइवेट कंपनी है या आपकी पब्लिक कंपनी है और आप अपनी पब्लिक कंपनी को प्राइवेट में या प्राइवेट को पब्लिक में कन्वर्ट कराए आपने, तो सोचो आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी चेंज करना पड़ेगा, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अगर आप चेंज करते हो तो उस केस में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन जरूर लेनी होगी। ओके, सो यू कैन चेंज एंड एट एनी टाइम इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, बट दीज रूल्स इज ऑल्सो फॉलो, ये कंडीशंस आपको फॉलो जरूर करनी पड़ेगी। ओके, सो बेटा ये आपका डॉक्यूमेंट था आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में यू नो रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन करते हैं, बनाना भी मैंडेटरी नहीं है।
उसके बाद जो आपका थर्ड डॉक्यूमेंट आता है बेटा, वो आता आपका प्रोस्पेक्टस। व्हाट यू मीन बाय द प्रोस्पेक्टस? कहता प्रोस्पेक्टस इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ ए कंपनी। विद द हेल्प ऑफ दिस डॉक्यूमेंट वी गिव द इनविटेशन टू द जनरल पब्लिक टू परचेज ऑफ इट शेयर एंड डिवेंचर्स। यू नो प्रोस्पेक्टस इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। ऑन द बिहाफ ऑफ दिस डॉक्यूमेंट द कंपनी इन्वाइट द जनरल पब्लिक टू परचेज ऑफ इट शेयर्स एंड डिवेंचर्स। कहता ये तो एक इन्विटेशन डॉक्यूमेंट होता है। प्रोस्पेक्टस क्या होता है बेटा? एक इन्विटेशन डॉक्यूमेंट होता है जिसके थ्रू कंपनी पब्लिक को इनवाइट करती है कि वो उसके शेयर्स या डिवेंचर्स क्या करें, परचेज करें। उस इनविटेशन डॉक्यूमेंट को क्या बोला जाता है? प्रोस्पेक्टस बोला जाता है। उसके बाद आता है एलिमेंट्स, कि प्रोस्पेक्टस में क्या क्या एलिमेंट्स आप इंक्लूड करते हो। द फर्स्ट एलिमेंट्स, देयर मस्ट बी इन्विटेशन टू द पब्लिक। कहता प्रोस्पेक्टस में हम पब्लिक को क्या करते हैं, इन्विटेशन देते हैं, जो इसकी डेफिनेशन में भी हमने मेंशन किया है। द इन्विटेशन मस्ट बी मेड बाय और ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी। वो इन्विटेशन किसके बिहाफ पर आप पब्लिक को देते हो? कंपनी के बिहाफ। वो इनविटेशन किसके बिहाफ पे दिया जाता है? कंपनी के बिहाफ पर पब्लिक को दिया जाता है। द इनविटेशन मस्ट बी, ठीक है, फॉर परचेज ऑफ शेयर्स, परचेज आएगा, मस्ट बी टू परचेज ऑफ इट शेयर्स एंड डिवेंचर्स, BEDUI। कहता है वो इनविटेशन आप इसलिए देते हैं ताकि पब्लिक कंपनी के शेयर्स और डिवेंचर्स को क्या करे, परचेज करे। तो ये एक इनविटेशन डॉक्यूमेंट है। ये इनविटेशन कंपनी के बिहाफ पे दिया जाता है। इस इनविटेशन के थ्रू हम पब्लिक को क्या कहते हैं कि वो कंपनी के शेयर्स या डिवेंचर्स क्या करें, परचेज करें। ठीक है, तो बेटा ये आपके तीन डॉक्यूमेंट थे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोस्पेक्टस। ठीक है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है। ठीक है, दूसरा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तीसरा प्रोस्पेक्टस। अब उसके बाद हम एक और अनदर क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम डिफरेंस करेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यू नो, देखो बेटा तीनों डॉक्यूमेंट्स में से एक तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मीनिंग, उसकी क्लॉजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक डिफरेंस आता है क्योंकि डिफरेंस में दोनों ही जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्लियर हो जाते हैं। तो बहुत बार डिफरेंस भी पूछा जाता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस का बेस में फर्स्ट डिफरेंस आपका दे रखा है नेचर। कहता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को चार्टर डॉक्यूमेंट भी कहते हैं हम कंपनी का। इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी भी कहा जाता है। ठीक है, वैसे जनरली बच्चे कहते हैं मैम कॉन्स्टिट्यूशन में तो रूल्स रेगुलेशन लिखे जाते हैं, वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहा जाता है, लेकिन उसके बिहाफ पर पूरी कंपनी डिपेंड करती है। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को ही कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसी डॉक्यूमेंट के ऊपर कंपनी डिपेंड करती है, कंपनी रन करती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, इसलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी भी कहा जाता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी अपने बायलॉज मेंशन करती है, ठीक है, जो उसको वर्क परफॉर्म करने की डायरेक्शन देती है। तो इसमें बायलॉज मेंशन किए जाते हैं। स्कोप, कहता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी अपने ऑब्जेक्ट मेंशन करती है, ठीक है, या उनके जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी पावर भी मेंशन करती है। लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में हम रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन करते हैं कंपनी के, कि जब कंपनी अपना बिजनेस रन करती है तो क्या क्या टर्म्स कंडीशन वो फॉलो करती है। स्टेटस, कहते हैं ये आपका जो डॉक्यूमेंट है ये सुपरसीड डॉक्यूमेंट है, यानी मेन डॉक्यूमेंट है, तो इसको क्या बोला जाता है, ये सुपरसीड्स डॉक्यूमेंट होता है। और जो आपका ये जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, कहता है ये सब्सिडरी डॉक्यूमेंट या सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो स्टेटस में आप इसको सुपरसीड्स या इसको फंडामेंटल, ये कंपनी का फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है और ये कंपनी का सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट है। समझ में आ गया होगा सप्लीमेंट्री क्या होता है? सेकेंडरी, ठीक है, ये प्राइमरी डॉक्यूमेंट है, ये सेकेंडरी डॉक्यूमेंट है। ये फंडामेंटल डॉक्यूमेंट कहते हैं, इसको मेन कहा जाता है, ये सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट है जो इसको सिर्फ सपोर्ट करता है। लीगल इफेक्ट,
एक्ट डन बियॉन्ड द स्कोप मेमोरेंडम आर वॉइड। अगर मेमोरेंडम के बियॉन्ड आपका आपने कोई काम कर दिया तो उसको अवैध माना जाता है। मेमोरेंडम से बाहर अगर कंपनी ने कोई काम कर दिया तो उसको अवैध माना जाएगा, लेकिन एक्ट डन बियॉन्ड द, ठीक है, बियॉन्ड द आर्टिकल्स कैन बी रेटिफाइड बाय द शेयर होल्डर्स। लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बियॉन्ड अगर आपने काम कर दिया तो आप क्या कर सकते हो, रेटिफाइड कर सकते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर इसके बियॉन्ड अगर आपने काम कर दिया तो ये माना जाता है, हो सकता है आपने कंपनी एक्ट के जो 99 मॉडल है उनमें से किसी मॉडल के रूल्स को फॉलो करा हो। लेकिन अगर मेमोरेंडम से बियॉन्ड आपने कोई काम कर दिया तो अवैध माना जाता है, लेकिन इसके बियॉन्ड अगर आपने कोई काम किया तो हम उसको रेटिफाइड कर सकते हैं, यानी उसको हम अवैध नहीं मानते, क्योंकि मे भी ये कंसिडर कर लिया जाता है कि भी हो सकता है कंपनी के जो 99 मॉडल है उन मॉडल्स को फॉलो कर रखा हो, और अगर 99 मॉडल्स को में से किसी को फॉलो नहीं कर रखा हो तो ये माना जाता है ये कंपनी का अपना ओन रूल्स एंड रेगुलेशन, अगर वो सिस्टम से किया गया है तो। कंपल्सन बेटा आप सबको पता है ये कंपल्सरी नेचर का होता है और ये इसको कंपल्सरी नेचर का ये नहीं होता। इट मीन्स इसको बनाना क्या होता है, मैंडेटरी है, और इसको बनाना मैंडेटरी नहीं है, नॉट मैंडेटरी। रिलेशनशिप कहते हैं, यू नो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है वो कंपनी और आउटसाइडर्स के रिलेशन को इंडिकेशन देता है, इसलिए इसको डॉक्ट्रिन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट भी कहते हैं। लेकिन जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो कंपनी और इसके इनसाइडर्स के रिलेशन को शो करता है, इसलिए उसको डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट भी कहा जाता है। उसके बाद आता है अल्टरेशन। देखो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अल्टर करना ईजी नहीं है, इसको अल्टर करने की जो प्रोसेस है वो काफी लॉन्ग और लेंथी प्रोसेस है, ठीक है। और इसकी एक क्लाज को तो हम अल्टर कर ही नहीं सकते, कौन सी, एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज, जो डायरेक्टर्स अपनी रिटर्न डिक्लेरेशन देखते हैं वो वाली क्लॉज। लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अल्टर करना इजी है, जब हम चेंज करना चाहें वी कैन चेंज, कोई भी इसे नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, तो हम इसको कभी भी चेंज कर सकते हैं, जबकि इसको चेंज करना काफी लॉन्ग और लेंथी प्रोसेस है। बेटा ये थे आपके डिफरेंस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। अच्छे से डिफरेंस को करना, क्योंकि दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का आएगा ही आएगा। दोनों कौन से, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन उसकी क्लॉज, एक डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। दोनों में से एक क्वेश्चन 101% आपके पेपर में आता ही आता है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो गए होंगे। फिर भी किसी टाइप का कोई डाउट हो तो प्लीज स्टूडेंट्स जरूर मैसेज सेंड करना। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।